हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस 100 में 99% मैच करा देंगे, ठीक है, कल के क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चंस पूरा वीडियो को, ठीक है, और चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज ही ताज़ा एक्सपीरियंस मिला है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके बेस पर बताएंगे और पक्का आपका मैच करेगा तो करेगा, ठीक है, क्योंकि सारा एग्जाम खत्म हो गया, सारा में एक्सपीरियंस मेरा इम्प्रूव ही हुआ है, तो आप लोग को लास्ट वाले में तो बता ही सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो हम मेरे आपके सामने जो दिख रहा है, ये सेट वन है स्टूडेंट्स, और ये कौन से सेमेस्टर का, सेमेस्टर वन वालों का है, लेकिन सिलेबस तो सबका एक ही ना है, तो इसीलिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 3 घंटे का टाइम दिया गया था, 75 मार्क्स का था, और देखिए जिसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स, कौन कौन से मैच करेंगे वो हम बता देंगे आप लोग को, जिसको जिसको बोलेंगे 100% आएगा तो पक्का आएगा, ठीक है, वो लिख लीजिएगा आपकी पक्का आ जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर, ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स 100 में 100% बोल रहे हैं कि आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज इंटरनेट, ये भी हम 100% बोल रहे हैं कि आ ही जाएगा, ये बोल रहे हैं 95%। व्हाट इज मैक्रो, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको चांस कम नजर आ रहा है। व्हाट इज पेज सेटअप, ये भी हम बोल रहे हैं स्टूडेंट्स 96%, ठीक है। व्हाट इज वायरसेस, ये भी बोल रहे हैं हम 97%, लेकिन जो दो क्वेश्चन है ये 100 में 100% है, ठीक है, आने का। आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या है, और भी क्वेश्चन सभी हम दिखाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अबाउट बुलियन अलजेब्रा, तो ये भी इम्पोर्टेंट, आप लोगों को नोट्स में हम बताए थे कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और बाइनरी वगैरह भी इम्पोर्टेंट है, तो वो सबको भी देख लीजिएगा क्वेश्चन। और जो ये भी, ये चांस है 90% आने का। राइट द टाइप ऑफ चार्ट, ये भी 91% आने का चांस है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन क्या है, इनमें से आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिए यहाँ बोल रहा है राइट एंड एक्सप्लेन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, तो ये भी 90% चांस आ जाएगा, लेकिन ये जो है ये 100% चांस हम दे रहे हैं, ठीक है, आने का। राइट अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कितने जनरेशन में हुआ, 4 या 5, तो इससे रिलेटेड हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव में भी दे दे कि कितना जनरेशन में कंप्यूटर का डेवलपिंग हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम भी कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि हम जो पढ़ाए थे स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स को 4 या 5, ये इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। 4 या 5 था, हमको लगता है 5, ठीक है, 5 जनरेशन था कंप्यूटर का, ठीक है, तो 5 जनरेशन कंप्यूटर का तक हम पढ़ाए थे, तो 5 जनरेशन होगा, पूछेगा कितना को जनरेशन होता है तो आप लोग बताना है। राइट एंड एक्सप्लेन नेटवर्क टोपोलॉजी, तो नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में ये भी 95% चांस है कि आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए एमएस वर्ड, ई 100 में 100%, ए भी 100 में 100%, और ए भी 100 में 100%, तो क्यों ना इसको बढ़िया से तैयारी कर लें, ठीक है। देखिए यहाँ 4 क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, यहाँ कौन कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 क्वेश्चन, और 4 में से हम 4 को इम्पोर्टेंट आपको बता दिए, 100%, एक 100% ये है, 100% ये, 100% ये, 100% ये है, ठीक है, और ये ईमेल वाला तो आएगा ही, यानी कि 5 को बता रहे हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, 5 को बता रहे हैं कि आ ही जाएगा, तो 4 तो बना ही सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरा डायरेक्ट ये जो बोला हुआ नहीं आया, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ये गारंटीएशन, तो इस तरह से आप लोग को फायदा हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग बना के आइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है सेंस, ठीक है। और अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो नोट्स भी लीजिए, रात भर में अगर पढ़ पाइएगा तो, ठीक है, 50 रुपीस लगेगा, बोलिएगा तो और 10 रुपया कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ठीक है सेंस, क्योंकि हम भी स्टडी के लिए ही बना है, स्टडी पर्पज से, तो आप लोग स्टडी कीजिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो है सो क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग के दिमाग को फ्रेश करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और इसी तरह के आएंगे, जो जो बताएं 100% वो पक्का आएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए रखिए स्टूडेंट्स, ताकि आगे भी आने वाले समय में इस तरह से हम हेल्प कर सकें, और इसका क्वेश्चन का आंसर बनाए कि नहीं बनाए वो आप जल्दी से बोलिएगा, ठीक है, इसका आंसर भी बना देंगे हम स्टूडेंट्स, ठीक है, और मास्टर वीडियो भी बना देंगे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।